सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मैकर, आप देखिए मेरा चैनल इट्स मैंग शर्मा। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पिक एडिट करते हैं लाइटरूम, स्नैपसीट एंड पिकसार्ट में, बट वो उतनी अच्छी पिक एडिट नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ इस टाइप की पिक एडिट कर दिखाऊंगा ऑनलाइन, वो भी बस एक से दो क्लिक में। हाँ सही सुना, एक से दो क्लिक में आप इतनी मस्त पिक एडिट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन बहुत ही ईजी स्टेप में। तो ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते हैं एंड वीडियो में चलते हैं और सीखते हैं कैसे अपनी पिक को इतनी मस्त एडिट कर सकते हैं सिर्फ एक से दो क्लिक में। एंड वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे DM कर सकते हैं डायरेक्ट, एंड आप मुझसे सोल्यूशन मांग सकते हैं या कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके आप मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। एंड साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, बिकॉज ऐसी और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट ड्रॉप इन द वीडियो। सो आज हम जो ऐप का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है फोटो रूम, एंड इस ऐप को आप प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसको यूज़ करने के लिए आपका फ़ोन का नेट ऑन होना चाहिए, बिकॉज बिना नेट के ये एप्लीकेशन नहीं चलेगा। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम फोटोज़ पे, जहाँ पर आपको अपने फ़ोन के सारे फोटोज़ दिख जाएंगे। तो वहाँ पर आपको अपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना, एंड सेलेक्ट करते ही ये आपके इमेज को स्कैन करना चालू कर देगा, एंड स्कैन करने के प्रोसेस में ये आपका इमेज का बैकग्राउंड क्लियर कर देता है। एंड क्लियर होने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन आते हैं, ब्लैक, वाइट एंड ट्रांसपेरेंट। तो हम ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ से आप इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, ऐसे कलर हैं। आप अपने बैकग्राउंड को किसी भी कलर में डाल सकते हैं, आपका बैकग्राउंड जिस कलर में चाहे आप उस कलर में बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, एंड कलर को भी आप फेड एंड डार्क कर सकते हैं। एंड उसके बाद नीचे सेकंड ऑप्शन है, वहाँ से आपको बहुत सारे कस्टम बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे जो कि इसके अंदर ऑलरेडी हैं। आप वहाँ से आप किसी भी बैकग्राउंड को क्लिक करके एंड उसे अपने फोटो के बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखें कि आपका नेट ऑन होना चाहिए, बिकॉज विदाउट इंटरनेट ये नहीं चलने वाला, तो नेट ऑन होना कंपलसरी है। तो देखिए मैंने आपको लोड किया था, एंड ये कितने अच्छे से आपके बैकग्राउंड में फिट हो गया। ऐसे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑलरेडी इसमें बैकग्राउंड्स दे रखे हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं, एंड कोई भी आपको बैकग्राउंड चलेगा आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड वो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपके बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। लाइक मैं से एक और ट्राई करता हूँ, ये बोके वाला इफेक्ट है, देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एंड ऊपर सर्च बॉक्स भी दिख रहा है, सर्च बॉक्स में आप भी आप जाके वहाँ पर सर्च बॉक्स से भी आप सर्च करके अपने मन चाहा बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई और बैकग्राउंड नीचे का चूज़ करता हूँ, जिसकी ये बैकग्राउंड हमारा सिलेक्ट हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप और भी जहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे जो कि है ब्लर का ऑप्शन। तो आप इसे थोड़ा ऊपर कर लीजिए एंड ब्लर के ऑप्शन को ओपन कर लीजिए। यहाँ से आपको ब्लर में ऑप्शन मिल जाता है कि ज़्यादा ब्लर करना है, कम ब्लर करना है, जितना चाहें आप उतना अपने मर्जी के हिसाब से उतना अपने पिक को बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लर के भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बुके इफेक्ट है एंड बहुत सारे ऑप्शन, जैसे मोशन है, एंड आप इन सब की सेटिंग को बढ़ा कम कर सकते हैं एंड सबको चेंज कर सकते हैं जितना चाहें आप अपने मर्जी के हिसाब से। आप उसके ब्लर को मेंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा चाहें ज़्यादा, कम चाहें कम। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि फ़िल्टर। यहाँ पर आपको अपने बैकग्राउंड के लिए कुछ कस्टम फिल्टर मिल जाते हैं जिनको आप से ब्लैक एंड व्हाइट एंड बहुत सारे और भी हैं जिन्हें अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। एंड इसके अलावा आता है इफेक्ट्स, इफेक्ट्स आप नीचे के अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अपने लाइक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वार्म, सैचुरेशन सब मिलते हैं जो आपके बैकग्राउंड आपके लिए होता है। आप उसको कम ज़्यादा करके अपने बैकग्राउंड को अपने पिक के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं जैसा आपको चाहें। एंड इसमें ह्यू का ऑप्शन है, जैसे आप अपने बैकग्राउंड का जो कलर है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रास वगैरह जो भी है उसका कलर हुआ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ से बोलते हैं डन, एंड इसके बाद आपकी पिक जो है वाइट उठ जाती है। एंड ऊपर है यहाँ पे आपको टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखना है तो आप वो सब भी लिख सकते हैं, एंड अगर चाहें आप कोई और चेंज ऐड करना आप उसको वो भी ऐड कर सकते हैं। कैंसिल, एंड आप चलते हैं सीधे सेव का ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको बहुत सारे लाइक क्रॉप का ऑप्शन है, जिससे मैं आप उस शेप में कर सकते हैं, मैं पोर्ट्रेट में ले रहा हूँ। एंड अब चलते हैं यहाँ से सेव के ऑप्शन पे, एंड यहाँ से सेव टू गैलरी में कर लेते हैं, मैं सेव टू फोटो में कर ले रहा हूँ, यहाँ पर आप अलाउ कर दे रहे हैं। एंड देखिए आपको दिखा रहा है कॉन्ग्रेट्स ऑफ योर फोटो विल बी अपलोडेड, तो सेव हो गया आपका गैलरी में। सो ये आया आपका फाइनल रिजल्ट, एंड
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना एंड वहाँ पर अपने क्वेश्चन को पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।